कल की मूवी खिचड़ी है। खिचड़ी बहुत सी फिल्मों के अलग अलग चीज़ों को लेके एक ही थाली में परोस दिया गया है। फिल्म में दिखाया गया स्काई स्क्रैपर्स मेट्रोपोलिस से लिए गए हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स फॉलआउट से, स्काई सिटी 2019 में आई अलीटा बैटल एंजल से, अश्वत्थामा का लुक बहुत काफ़ी मिलता है ड्यून के स्टिगलर से। एक हीरो जो कि इरिस्पॉन्सिबल है और उसे अपने पावर्स का एहसास नहीं है कि उसकी तकदीर उससे क्या कराना चाहती है। ये कैरेक्टर भैरवा का है और ये सेम कैरेक्टर हमने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में देख रखा है स्टार लॉर्ड के रोल में। जिस तरह के हथियार, लेजर बीम्स और गन्स दिखाए गए हैं वो स्टार वॉर्स की याद दिलाते हैं। यूनिट को करेंसी की तरह यूज करना हमने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, रेडी प्लेयर वन और ब्लेड रनर में देख रखा है। जो व्हीकल्स दिखाए गए हैं वो मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखे जा चुके हैं। भैरवा के बुज्जी डार्क नाइट और फ्लाइंग कार ब्लेड रनर की याद दिलाते हैं। एक होवरक्राफ्ट एवेंजर्स के चित्तौरी की याद दिलाती है और लास्ट फाइट सीन वाला आर्मर ट्रांसफॉर्मर्स की याद दिलाता है। संबाला का हिडन शहर, वहाँ का कल्चर, वार क्राई, वहाँ के शील्ड ब्लैक पैंथर से लिए गए हैं। अगर कल्कि को समराइज करना है तो आप कह सकते हैं कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी का क्रिस प्रैट चिल्ड्रन ऑफ मैन को मैड मैक्स फ्यूरी रोड में बचा रहा है। तो मूवी का प्लॉट बेसिकली कल्कि पुराण से लिया गया है, जिसमें चारों युगों के अंत में कल्कि का अवतार होता है और अश्वत्थामा इसमें कल्कि की मदद करते हैं। आइए जानते हैं कल्कि पुराण के अनुसार क्या है इसकी असली कहानी। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। वो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार होंगे और आने वाले भविष्य में कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा। हिंदुइज्म में चार युगों में कलयुग चौथा युग है। इस युग को अंधकार का युग माना जाता है, जहां सच्चाई खत्म हो गई है और बुराई हर जगह है। ऐसे में कल्कि फिर से सारे बुराई को खत्म करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद यानी कि 3102 BC से शुरू हो गई है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। अब तक कलयुग के केवल 5,125 साल ही हुए हैं, यानी कि अभी भी कल्कि अवतार में 4,26,857 साल बाकी हैं। कल्कि देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, जिनके एक हाथ में चमकती हुई तलवार और दूसरे हाथ में चक्र होगा। कलयुग के अंत की शुरुआत तब हो जाएगी जब कोई इंसान अच्छा नहीं बचेगा। हर जगह बस झूठ और फरेब का ही बोलबाला रहेगा। इंसानों की ज़िंदगी सिमट कर बस कुछ सालों की ही रह जाएगी। शादियाँ खत्म हो जाएंगी और लोग रिलेशनशिप में बस अपने फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए आएंगे। केवल अमीर और पावरफुल लोग ही जिंदा रहने के काबिल रहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सब लोग नास्तिक हो जाएंगे। हर तरफ बस हिंसा का ही बोलबाला होगा। लोगों की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ घट जाएगी। लोग तन से और मन से कमज़ोर हो जाएंगे। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करेंगे कि कलयुग का अंत निकट है और कल्कि का अवतार होने ही वाला है। कल्कि का मेन मिशन होगा दैत्य कलि को हराना, जो कि सारी बुराइयों का स्रोत है। कलि को खत्म करके कल्कि एक नए युग की शुरुआत करेंगे जहां सत्य और अच्छाई हो। कल्कि की माता सुमति और विष्णु यशा होंगे। कल्कि के तीन भाई भी होंगे, कवि, प्रजना और सुमंत्र। कल्कि दो राजकुमारियों से विवाह करेंगे, पद्मावती और रमा। उनके चार बच्चे होंगे, जया, विजया, मेघमाला और बाललखा। कल्कि को युद्ध कला और स्पिरिचुअल नॉलेज भगवान परशुराम देंगे, जो कि खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। वो 64 कलाओं के ज्ञानी होंगे और वेदों के ज्ञाता बनेंगे। आखिरी युद्ध के लिए भगवान शिव भी कल्कि को वरदान और एक तलवार देंगे। कल्कि आखिरी युद्ध में बहुत से खतरनाक और बुरे दैत्यों का खात्मा करेंगे, जिसमें कोका और विकोका नाम के भी दो असुर होंगे। इसके बाद कलि को हराने के बाद सतयुग की फिर से शुरुआत होगी। अपना मिशन पूरा करने के बाद कल्कि संबाला राज्य पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। इसके बाद वो वैकुंठ चले जाएंगे। तो गाइज, ये थी कहानी कल्कि पुराण की। अब देखना यह है कि कल्कि मूवी के सेकंड पार्ट में हमें कौन और क्या देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।